नमस्कार। आज का दिन सोमवार है, मंडे, और देखते हैं कि आज का दिन हमारे लिए क्या लाया है। सो टुडे इज ओके। तो जो भी आज आपने अपने पुराने काम जो पिछले हफ्ते किए थे, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो इट्स अ वेरी गुड डे टू स्टार्ट। और आज आप कुछ अच्छी खुशखबरी के लिए वेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एरीज से। एरीज के लिए आज एडवाइस ये, तो अगर जो भी चीज़ें आपकी कॉन्शियसली पॉजिटिवली आप अगर अचीव करना चाहते हैं, तो उन पर अगर आप ध्यान लगाएंगे, आज का दिन वेरी गुड है। तो अगर आप क्राउन चक्रा से अपना कॉन्शियसली कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, मेडिटेट भी थोड़ा सा 10 मिनट लगा सकते हैं आप ओम करने के लिए। सो इट्स अ वेरी गुड डे फॉर यू। नेक्स्ट इज टॉरस। टॉरस के लिए ये है कि हो सकता है कि आज का दिन की शुरुआत में आपको लग रहा हो कि थोड़ा चैलेंजिंग डे है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन जाता जाएगा और आप देखेंगे कि आपके सॉल्यूशंस आपके आगे निकलते जाएंगे। नेक्स्ट इज जेमिनी। जेमिनी के लिए एडवाइस ये है कि जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, आपके रास्ते आपके सामने हैं, आप अगर अपने प्रोज एंड कॉन्स को देख के आज कोई भी चीज़ पिक करेंगे, यू विल सी दैट यू गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी कि आपको आगे जाके क्या अचीव करना है। नेक्स्ट इज़ कैंसर। कैंसर के लिए एडवाइस ये है कि बहुत सी चीज़ें जो चीज़ें हम वैसे नहीं अचीव कर सकते हैं किसी को गुस्सा करके या वैसे कुछ करके, लेकिन लव से अगर आप किसी को प्यार से किसी से कुछ बोलते हैं तो उसको समझ में आता है। तो आज शायद अगर जो चीज़ें आपकी नहीं बन पा रही थी, और अगर आज आप उसके ऊपर बार बार सोच के और कैसे सामने वाले को थोड़ा प्यार से बताने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। और नेक्स्ट है लियो। लियो के लिए ये एडवाइस है कि अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि मेरे रास्ते नहीं बन रहे हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा है जस्ट उसी कि कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि मैंने ऐसी चीज़ें नहीं करी जो मुझे करनी चाहिए थी। जैसे ही आप उन चीज़ों को सोचेंगे, फिर आपको दिखेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें सॉल्यूशंस के लिए करनी है। एंड आई थिंक अगर आप उतना भी आज अचीव कर पाते हैं, इट विल हेल्प यू फॉर द फ्यूचर। सो नेक्स्ट इज़ वर्गो। वर्गो के लिए आज एडवाइस ये है कि कुछ चीज़ों से डिटैच होना ज़रूरत होती है। कभी कभी हम सेम पैटर्न, सेम लोग, सेम चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, हम आगे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। तो आज का दिन पुरानी बातों से डिटैच होइए, कुछ नई चीज़ों में, कुछ नए लोगों में, कुछ नई स्ट्रैटेजी में टाइम बिताइए, और पुराने थॉट प्रोसेस को भी छोड़ना एक डिटैचमेंट ही माना जाता है। तो नई शुरुआत के लिए नए थॉट को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है लीब्रा। लीब्रा के लिए एडवाइस ये है कि आप अपना एफर्ट करते रहिए, आज का दिन एफर्ट करने का है। अगर आपको नहीं भी सफलता मिल रही है, तब भी आपका काम एफर्ट करने का है, उस एफर्ट को छोड़ने का काम नहीं करिए, तो आपको दिखेगा कि सफलता आपके हाथ में आएगी। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस ये है कि कभी कभी सामने वाले को नहीं मालूम आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको अपनी बात कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, कन्फ्रंट करना पड़ेगा। अगर किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा है और आपके दिमाग में है और आप उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आज का दिन कन्फ्रंट करने का है। बहुत सरलता से, आराम से अगर आप किसी को बता पाएँ कि मैं आपकी बात से डिस्कस, आपने जो किया था, आपने जो मुझे बोला, मुझे वो ठीक नहीं लगा है, उस बात को आज कन्फ्रंट करने का है। वो आपके बॉस भी हो सकते हैं, डॉटर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। So I hope you are able to do that. Next is Sagittarius. Sagittarius के लिए advice है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत beautiful है। अगर आपकी कोई dreams थी जो आप करना चाहते थे, आप suddenly देखेंगे कि उसके answers निकल रहे हैं, आपको लोग आके appreciate कर रहे हैं, dreams की more opportunities मिल रही हैं, तो अपने आप को positive रखिए। जो चीज़ें आ रही हैं उसमें देखिए कहाँ से आपको answers मिल सकते हैं और आप कहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। Next is कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन्स के लिए आज दिन बहुत बढ़िया है। शाइन, डे टू रिसीव, डे टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स, डे टू बिलीव इन योर सेल्फ, अ डे टू गो एंड डू व्हाट यू फील लाइक। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा दिन है, बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर आप कोई नई स्किल पे काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा दिन है। नई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा दिन है। सो अ डे इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन्जॉय योर डे। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए टाइम है ओपन अप। बहुत अगर आपको लगता है कि आप बहुत दिन से एक शेल में बैठे हुए हैं और आप लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। ओपन अप योर थॉट्स, ओपन अप योर एनर्जी, ओपन अप टू अंडरस्टैंड। आप
कॉन्शियसली अगर चाहेंगे, अगर आप ओम पे भी 10 मिनट लगाएंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी ऑफ लाइफ अपने बारे में समझ में आएगी. एंड नेक्स्ट इज स्पाइसेस. स्पाइसेस के लिए एडवाइस है वेरी नाइस कार्ड, मैनिफेस्ट. अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि पहले तो आप जानें कि आप चाहते क्या हैं, फिर आप मैनिफेस्ट करें ताकि यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दे जो आप करना चाहते हैं. जब आप कहीं पर लिखेंगे या उसके ऊपर काम करेंगे तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं. तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव डे टू स्टार्ट योर न्यू बिगिनिंग्स. मैं आशा करती हूँ आप सबका बहुत अच्छा दिन निकलेगा. एंड हैव अ ब्लेस्ड डे. नमस्कार.